भूषण ज्वेलर्स। सूटी नहीं चलेगा, चंडीगढ़ को आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंडीगढ़ को आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मेरा सूटी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मेरा सूटी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मेरा सूटी नहीं चलेगा। जिला कांगड़ा के विधानसभा जसिमपुर में कांग्रेस के टिकट आवंटन को लेकर जसिमपुर कांग्रेस मंडल ने विरोध किया है। जसिमपुर ग्राउंड में ब्लॉक अध्यक्ष जसवंत ढडवाल की अध्यक्षता में मंडल के सभी पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और यादविंदर गोमा जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी हाईकमान एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देने जा रही है जिसका संगठन से कोई नाता ही नहीं है, न ही लोगों में उसकी कोई पकड़ है। दो चार लोगों को साथ लेकर घूमता रहता है और सिर्फ पैसों की भाषा बोलता है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जसिमपुर मंडल यादविंदर गोमा के साथ है। पार्टी हाईकमान सभी सर्वों को दरकिनारे कर एक जिताऊ उम्मीदवार को छोड़कर पैराशूटी व्यक्ति को टिकट दे रही है जो हमें मंजूर नहीं है। जो लोग वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं उनकी बात को माना नहीं जा रहा। सभी ने एकजुट होकर कहा कि यदि यादविंदर गोमा को टिकट न दिया गया तो जसिमपुर कांग्रेस मंडल के सभी पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता सामूहिक तौर पर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर बैठक बुलाई गई थी और उसमें जो है सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष व कार्यकारिणी ने, जो आप देख रहे हैं, ये इन सब ने ये फैसला लिया कि अगर पार्टी में संगठन की अहमियत को तवज्जो नहीं दी जाएगी तो आने वाले समय में संगठन जो है वो संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो इन सब जिन लोगों को हमने यहाँ पर संगठन में अहदेदारी दी, ये हर बूथ में गए, हर बूथ में जाके 30 से 40 बूथ कमेटी के मेंबर बनाए गए। मेरे पास महिला अध्यक्ष बिंता ठाकुर जी, एससी के अध्यक्ष सती सारे जी, ओबीसी के अध्यक्ष हमारे प्रवीण चौधरी जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण मल्होत्रा जी, खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे सुनील जी, मंडलों के अध्यक्ष पूर्व जिला पार्षद आशा कल्होत्रा जी, महिला अध्यक्ष में नगर दी है हमारी हिमाचल प्रदेश की युवा प्रधान है, इतने पंचुखी के प्रधान है अनीता जी, और सभी यहां पर प्रधान और उप प्रधान सारे मौजूद रहे और सभी बूथों से लोग आए। तो सभी ने ये मिलकर ये फैसला लिया और मेरी मजबूरी है कि मुझे इन सबका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इनका साथ नहीं दूंगा तो आने वाले इस महीने जो है संगठन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी और संगठन के साथ कोई जुड़ेगा नहीं और इनको लीड करने वाला कोई मिलेगा। तो मेरी कांग्रेस पार्टी और हाईकमान से ये गुजारिश है, इन सभी ने ये फैसला लिया है कि अगर जो आदमी पिछले 5 साल पूरे विधायक अरविंदर गोमा सब के सुख दुख में शरीक हुआ है, अगर उसको पार्टी हाईकमान जो टिकट नहीं देती है तो जसिमपुर विधानसभा से हजारों की संख्या में जो है वो कांग्रेस पार्टी से वो रिजाइन कर जाएंगे और संगठन से जो है वो रिजाइन कर जाएंगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि एक जीती हुई बाजी को हम हार जाए, और जीती हुई बाजी को अगर आप इस जीत में और कांग्रेस पार्टी में एक कड़ी आप जोड़ना चाहते हैं तो पार्टी हाईकमान से मेरी करवत दोनों हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि वो जनता की आवाज़ सुने, वो सर्वे की रिपोर्ट लें। यहाँ पर जो हमारे ऊपर नियुक्त किए गए थे जो प्रभारी थे विकास उपाध्याय जी, उनसे बात की जाए, जो उत्पल गोगई थे असम के जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर थे हर बूथ में गए हैं, उनसे रिपोर्ट ली जाए, और आसपास के जो जितने भी आसपास के हैं मेरा जिला अध्यक्ष है उनसे पूछा जाए, सभी संगठनों के अध्यक्षों से पूछा जाए और जसिमपुर विधानसभा के अंदर एक आम राय बनाई जाए ताकि मैं पार्टी के इस विघटन को जो है जो यहाँ पर आप पीछे आप सुन रहे थे कि अगर पार्टी हमें ओबलाइज करती है तो हमें रिजाइन करना पड़ेंगे, तो यही मेरी पार्टी हाईकमान से अभी गुजारिश है कि वो जनता की पीड़ा को समझे, उनके विश्वास को वो जो है वो तोड़े नहीं। जसिमपुर से अजय पाल की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।